हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फारूक और आप देख रहे हैं हिंदी टेक प्रो। अगर आपके पास एक आईफोन है या फिर आप नया आईफोन खरीदना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो पे ऐसा 5 यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं आपके साथ, जो कि आपको आगे जाके बहुत ही काम में आ सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि 5 यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है तो फिर देखते रहिए इस वीडियो। इससे पहले बता दो कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ बहुत ही जल्दी मिल जाए आपके पास। इसमें पहला जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, अगर आप गाना सुनते हो बहुत ही ज़्यादा, गाना सुनने के टाइम यहाँ पर देखिए पूरा वॉल्यूम अगर ज़्यादा कर देते हो तो भी आपका वॉल्यूम काफ़ी नहीं होता है, आप चाहते हो कि और भी ज़्यादा वॉल्यूम करे, तो फिर आपको जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद आपको जाना है म्यूज़िक पर। म्यूज़िक पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए EQ करके एक ऑप्शन है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद बाय डिफॉल्ट ऑफ आएंगे, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। लेट नाइट करके एक ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करते ही आपका जो वॉल्यूम है और भी ज़्यादा हो जाएंगे। अभी दूसरा जो टिप्स है स्क्रीनशॉट रिलेटेड, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर आप मान लीजिए कि किसी भी जगह को हाईलाइट करना चाहते हो तो फिर नीचे देखिए प्लस का आइकन है, इस पर दबाना है आपको। दबाने के बाद यहाँ पर देखिए मैग्नीफायर करके एक ऑप्शन है, इस पर दबाना है आपको। दबाने के बाद इस जगह पर कहीं पर भी लेके जाइए, यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन पर दबाने के बाद इस तरीके से बड़ा छोटा कर सकते हो। करने के बाद ऊपर वाला जो ऑप्शन है, इस पर दबाने के बाद अंदर वाला को छोटा या बड़ा कर सकते हो। इस तरीके से किसी भी जगह को हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट करने के बाद इसको सेव कर सकते हो या फिर आपका फैन का साथ शेयर भी कर सकते हो। अभी तीसरा जो ट्रिक्स है, अगर आप एक हाथ से मोबाइल को यूज़ करते हैं, आपका उंगली मोबाइल का ऊपर तक नहीं जा रहा है, तो फिर नीचे से इस तरीके से स्वाइप डाउन कीजिए। स्वाइप डाउन करने से आपका जो मोबाइल है बिल्कुल छोटा बन जाएंगे, इसके बाद एक हाथ से मोबाइल को इजिली एक्सेस कर पाएंगे। अभी चौथा जो ट्रिक्स है, मान लीजिए कि किसी भी मैसेजेस को लिखने के बाद इसको इस तरीके से मूव करना चाहते हो तो फिर आपका जो स्पेस का बटन है, स्पेस का बटन पर लॉन्ग प्रेस कीजिए। लॉन्ग प्रेस करने के बाद इस तरीके से इजीली मूव करवा सकते हो। टिप्स नंबर 5, अगर मैं बताऊं कि कैलकुलेटर को बिना ओपन किया कोई भी हिसाब करने के लिए तो फिर कैसे करोगे, इसके लिए मोबाइल का होम स्क्रीन से मीडियल से स्वाइप कीजिए नीचे की तरफ। स्वाइप करने के बाद देखिए सर्च का ऑप्शन आ चुका है, अब यहाँ पर कोई भी हिसाब कर सकती हो। ये देखिए प्लस 23, ये देखिए 23 प्लस 23 46 देखिए आ चुका है। इसी तरह इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो बेल बटन है इस पर भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ बहुत ही जल्दी मिल जाए आपके पास।